नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कल आपको संधि पढ़ा रही थी और संधि जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और इसमें से आपके लगभग दो प्रश्न किसी भी परीक्षा में आप फर्स्ट ग्रेड लीजिए, सेकंड ग्रेड लीजिए, एसआई भर्ती लीजिए, आपके इसमें प्रश्न बनते ही बनते हैं। संधि एक हमारा ऐसा प्रकरण है, इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है, अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो आप इसमें कोई भी नंबर नहीं काटवा सकते। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकरण को दोबारा शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने कल संधि को पढ़ लिया था, संधि के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी कि संधि क्या है और संधि के प्रकार कितने हैं, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। संधि की थोड़ी सी हमने परिभाषा भी देखी थी, तो संधि की हमने थोड़ी सी परिभाषा भी देखी थी कि संधि होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या समझौता करना। मेल या समझौता किस में, वर्णों में या शब्दों में? हम कहेंगे वर्णों का मेल। वर्णों का मेल क्या है? आपके संधि है। ठीक है, कल मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि वर्णों के परस्पर मेल से आता जो विकार उसी को कहते हैं हम संधि विचार। चलिए आज इसकी एक और नई परिभाषा देखते हैं, एक परिभाषा और देखते हैं इसकी, वो क्या है। एक परिभाषा और लिखना, चलिए लिखना, निकटवर्ती वर्णों के, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल या समझौता, मेल या समझौता से उत्पन्न नवीन परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे कि कल मैंने आपको एक अलग परिभाषा बताई थी और आज मैं आपको एक अलग परिभाषा बता रही हूँ। बताई तो मैंने वही थी, वर्णों के परस्पर मेल से आता जो विकार उसी को कहते हैं संधि विचार। आज एक अलग परिभाषा, निकटवर्ती। निकटवर्ती यानी दूर निकट वर्ण, जिसको हम मेल करा के उनमें उत्पन्न नवीन परिवर्तन, यानी उनके मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या है आपके पास, संधि है। जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए विद्यालय, एक शब्द बहुत ही जाना पहचाना आपके साथ आता है, शुरुआत से ही आता है विद्यालय, धनुष टंकार, धनुष्टंका शब्द आता है रामायण, शब्द आता है रामायण और शब्द आता है आपके पास रमेश। चलिए अब मैंने आपको जो परिभाषा बता रही हूँ, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल या समझौते से उत्पन्न नवीन परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है, अब मैंने लिखा विद्यालय, हम विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें है आपका आ, इसमें क्या है आ है, और इधर भी आपका क्या है आ है। इन दोनों का मेल ही हमारे पास आ बना रहा है, इन दोनों का मेल ही हमारे पास आ बना रहा है। अब इसके आ बाहर निकलते से ही आपके ये आधा रह जाता है, जैसे कि आपका ये रहा आपके पास विद्यालय, इन दोनों का मेल हुआ आपके पास विद्यालय। फिर हमारा आता है धनु, धनु के बाद आता है टंकार,
ठीक है। धनु के बाद क्या आता है? टंका। जैसे कि देखिए आपका पहला उदाहरण है विद्यालय, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सा? दीर्घ संधि का, ठीक है। दूसरा है आपका पास धनुष टंका। अब ऊ के बाद यदि आट आ रहा है तो आपका यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण। तो ये है आपका ऊ बाहर निकला और यहाँ है आपके पास टंका ट। इन दोनों का मेल मेरे पास श वर्ण बना रहा है, श वर्ण बना रहा है। अब आप जानते हो श क्या है? एक व्यंजन है, तो ये आपके आधा आएगा। तो शब्द क्या बनेगा आपके पास? धनुष टंकार। इसी तरह दूसरा शब्द आता, तीसरा शब्द आता है रामायण। राम धन आयन, राम धन आयन। चलिए इसमें भी आपके आ है और इधर भी आपके आ है, दोनों आ आपके आ ही बना रहा है। लेकिन इसमें अपवाद माना जाता है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये ना आपके ड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपके व्यंजन का उदाहरण है और आपके धीर का उदाहरण है, ठीक है। ये शब्द अपवाद में आता है रामायण। अगर ड़ा आता है तो आपका व्यंजन, और अगर आप आ की ध्वनि लगा रहे हो तो आपका दीर्घ। आगे आता है रमेश, रमा धन ईश, ये है आपका आ और ये है आपकी ई। दोनों मिलकर आपके ए बना रहे हैं, ए यानी छोटी ए। कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? गुड़ संधि का उदाहरण हुआ, ठीक है। तो मैंने आपके लिए चार उदाहरण लिखा है, दो तो है आपकी दीर्घ संधि का, एक अपवाद जोड़ा है जो भी आपके व्यंजन में आएगा रामायण, एक है आपका व्यंजन का और एक है आपका। चलिए इसको उतारिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, संधियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए उतारिए। चलिए आपने उतार लिया होगा, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका विद्यालय धनुष टंका रामायण और रमेश। राम धन अयन, अयन होगा ना कि आयन होगा? अयन, अयन होता है आयन नहीं होता है अयन। ओ और आ मिलकर आपका आ बनाता है, तो ये हुआ आपके थोड़ा सा उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपके संधि आपके तीन प्रकार की मानी गई है। कल मैंने आपको बताया था संधि कितने प्रकार की मानी गई है? तीन प्रकार की मानी गई है। संधि के मैं प्रकार बताए कि संधि के प्रमुखतः, संधि के प्रमुखतः तीन प्रकार
या भेद, भेद भेद जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप होते हैं, ठीक है। अब मैंने कल की क्लास में आपको बता दी थी कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था नंबर एक मानी गई है मेरे पास स्वर संधि, जिसको मैंने आपकी कल की कक्षा में बहुत ही विस्तार से समझा दिया था। नंबर दूसरी बताई थी मैंने आपको व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर तीसरी मैंने आपको समझाई थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, चलिए, ये स्वर संधि, ये व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि। जैसे कि मैंने कल आपको बता दिया था आपके स्वर आपके आ से लेकर आ तक के जितने भी स्वर हैं आपके, यानी कुल 13 स्वर में जब मेल या समझौता होगा वो सभी किस में आएंगे, स्वर संधि में आएंगे। लेकिन यहाँ आपके जब व्यंजन और स्वर में भी आ जाए, स्वर या व्यंजन, व्यंजन या व्यंजन, या आपके व्यंजन या स्वर, तो यहाँ पर आपका व्यंजन और वहाँ आपका विसर्ग आना ही चाहिए। विसर्ग का मेल यदि भी किसी भी स्वर या व्यंजन से हो रहा है, दो परिवर्तन या नवीन परिवर्तन होगा, वो आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब इसके भी उपभेद माने गए हैं। किसके उपभेद माने गए हैं? स्वर संधि के। स्वर संधि के ही उपभेद होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई भी उपभेद नहीं होते हैं। इनमें केवल आपके नियम चलते हैं, इसमें आपके नियम चलते हैं, इसमें आपके आपके उपभेद यानी आपके टाइप्स के भी प्री टाइप्स, ठीक है। व्यंजन संधि में नियम और विसर्ग संधि में नियम, केवल उपभेद किसके होते हैं? स्वर संधि के। अब स्वर संधि के भी आपके 5 उपभेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 5। कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास स्वर संधि के 5 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं 5 उपभेद, देखते हैं। नंबर एक आता है मेरे पास दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर दूसरा आता है मेरे पास गुण संधि। क्या आता है? गुण। नंबर तीसरी आता है मेरे पास यण संधि। नंबर 4 मेरे पास आती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और नंबर 5 मेरे पास आती है अयादि, अयादि संधि। चलिए, यानी आपके स्वर संधि के कितने उपभेद माने गए हैं? 5, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। जैसे कि मैंने कल आपको कल की कक्षा में बताया था आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, जब आपको एक आपके प्रश्न जो बनता है वो इनके अंतर्गत से ही बनता है कि आपके क्या आएगा। आपको गुण संधि का दे दिया, यण संधि का दे दिया या अयादि का दे दिया, या तो आपसे नियम पूछ लिया जाएगा कि ये नियम इसका है, ठीक है। हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि क्या है, पहले आप इनको उतारिए फिर हम आपके आगे बढ़ते हैं। ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई है, सारणी बनाई है, इसको आप उतारिए। चलिए, चलिए आपने उतार लिया होगा, हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जब बच्चे की
शक्लों दे के या कॉपी पेन दे के पता लग चलाया जा सकता है कि उन्होंने उतारा है या नहीं। अभी आप हैं और मैं हूँ, पता नहीं चल रहा कि कितना समय में आप उतार रहे हो, कितने समय में आप स्क्रीन शॉट ले रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको लगभग समय तो दे ही रही हूँ। हम देखते हैं अब नंबर एक उतारना, स्वर संधि। नंबर एक संधि के हम टाइप पढ़ रहे हैं, आपके प्रकार पढ़ रहे हैं। नंबर एक जो हमने पढ़ी थी स्वर संधि, अब स्वर संधि की हम पहले परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि क्या है, क्या है स्वर संधि? स्वर, जैसे कि मैंने बताया आपको, आ से लेकर अह तक के जितने भी स्वर होंगे उनमें नवीन परिवर्तन जो होगा वो आपके सभी स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी, स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मध्य, दो स्वरों के मध्य होने वाले, दो स्वरों के मध्य होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मध्य होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। चलिए उतारिए इस परिभाषा को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके मैंने आपको स्वर संधि के मैंने आपको अभी टेबल के अंतर्गत आपके उपभेद बता दिए थे कि आपके इसके उपभेद पांच होते हैं, धीर, गुण, यण, वृद्धि और अयाधि। ठीक है, नंबर एक इसका जो उपभेद आता है, नंबर एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। चलिए दीर्घ संधि को लिखते हैं। यदि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में आए ऐसे दो वर्ण, ऐसे दो वर्ण जो हस्व, हस्व यानी छोटा, हस्व या दीर्घ हो और इनमें मेल हो, और इनमें मेल हो तो इनसे होने वाला, इनसे होने वाला नवीन परिवर्तन, इनसे होने वाला नवीन परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है। समझ में आया? यदि किसी शब्द में आए ऐसे दो वर्ण जो आपके हस्व या दीर्घ हों, इसमें आपके मेल हो रहा है, यानी हस्व में किसमें मेल हो रहा है, हस्व में या दीर्घ में जब मेल हो रहा है, इनसे होने वाला नवीन परिवर्तन आपके दीर्घ संधि कहलाता है। चलिए पहले आप इसको उतारिए, मैं इस परिभाषा को थोड़ी सी और क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको लिखा या लिख करके लिखे, जैसे कि आपके हस्व आ ई, हस्व आ कॉमा ई या उ, हस्व आ ई उ का मेल
का मेल दीर्घ आ ई और उसे हो तो इनसे बनने वाला नवीन वर्ण दीर्घ के रूप में ही आएगा, दीर्घ के रूप में ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको एक परिभाषा है आपकी ये और एक है आपकी ये। मैंने दीर्घ संधि की दो परिभाषाएं आपके साथ लिखी हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारें। चलिए इसके थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसका सूत्र देखते हैं, इसका नियम देखते हैं, इसमें नियम क्या चलता है। चलिए ठीक है, इसका नियम देखते हैं। दीर्घ संधि का नियम किसका नियम है? ये दीर्घ संधि का नियम। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व ह्रस्व या दीर्घ आए। समझ में आया? ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए। दोबारा लिखती हूँ मैं इसको, थोड़ी सी गलती हो गई है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनके मेल से दीर्घ वर्ण ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लीजिए लिखा अ या आ या फिर लिखा आ या आ, तो इनके मेल से आपके पास दीर्घ आ ही आएगा। मुझे लगता है आपके इस बात ये बात ये जो मैंने लिखा है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, ये अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसके थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। शब्द आता है आपके पास अभयारण्य। चलिए अभयारण्य देखिए, एक अभयारण्य तो होता ही है, और कई बार हम कक्षाओं में बहुत बार हमारे सामने एक अपशब्द एक और आता है अभयारण्य। ये अभयारण्य जहाँ पे भी आप देख रहे हो वो अभयारण्य, ये गलत है। शुद्ध अभयारण्य होता है ये अभयारण्य। अभय और धन आरण्य, अभय धन आरण्य। आरण्य क्या होता है? आरण्य कहते हैं जंगल को। आरण्य किसको कहते हैं? जंगल को। ठीक है, अभय यानी बिना डर के, अभय यानी भय यानी डर, आ यानी नहीं, बिना डर के।
बिना डर के ऐसा जंगल या ऐसा बिहार जहाँ पर पशु पक्षी विचरण कर सकते हैं अभयारण्य कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बहुत बच्चे इसको यण संधि का उदाहरण बताते हैं, अभी धन अरण्य ई के बाद यदि आ रहा है तो आपके या की प्राप्ति हो रही है, तो ये आपके पूरी तरह गलत है। ठीक है, शुद्ध आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, क्योंकि अभयारण्य आपके एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशु आपके विचरण कर सके बिना किसी भय या डर के। अब इसका ये तो हुआ इसका अर्थ, अब इसको उसको तोड़ते हैं। अभय, अभय यानी या में से यदि अ निकला और यह है आपका आ, ये दोनों आपको देखो हस्व या हस्व दोनों तरफ हस्व है, तो दोनों तरफ हस्व आपके क्या बना रहा है, आ बना रहा है, तो ये आ आपका क्या बना, अभयारण्य है। ठीक है, चलिए एक दूसरा उदाहरण और देखते लेते हैं इसका। ये आपके राजस्थान कनिष्ठ लिपि परीक्षा में आपके आया हुआ प्रश्न 2013 में, शब्द आता है आपके पास दावानल। दावानल ये आपके LDC परीक्षा में 2013 भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। दावानल, दावानल क्या है पहले तो बात, दावानल होता क्या है? दावानल आपके अग्नि होती है दावा, दावा दावानल दाव धन अनल ये आपकी क्या होती है, अग्नि होती है। ऐसे होती है, एक तो जठना अग्नि, एक बड़वा अग्नि और एक होती है दावानल। दावानल अनल यानी जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। बड़वानल आपके समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। और जठरानल आपके पेट में लगने वाली आग यानी भूख जिसे हम कहते हैं, वो आपके जठरानल कहलाती है। इसमें भी है आपके आ और ये भी है आपके आ, दोनों ही तरफ है आ और ये आपके क्या बना रहा है, आ बना रहा है। तो ये हुआ एक शब्द। एक शब्द और आता है आपके पास दिनांत, दिनांत दिन धन अंत, इसमें भी है आपके आ इधर भी है आपके आ, दोनों ही आ आपके क्या बना रहा है, आ बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्णों का मेल, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्णों का मेल। वर्णों में भी आप किस में पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में। स्वर संधि में भी किस में पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि में। यदि आपके आगे और पीछे हस्व आए या दीर्घ आए, मेल आपके होने पे हमें बड़ा ही मिलना चाहिए, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा ही मिलना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका दिनांत। एक शब्द और आता है आपके, ये भी आपके आया हुआ प्रश्न कामारी।